हेलो फ्रेंड, कैसे हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। फाइनली मोटोरोला कंपनी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन मोटो एच 40 न्यू 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ वन प्लस का एक पॉपुलर स्मार्टफोन वन प्लस का नॉट CE3 लाइट 5G। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर प्राइस की बात करी जाए तो मोटो एच 40 न्यू 5G को ₹20,999 की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाली वेरियंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ वन प्लस के नॉट CE3 लाइट 5G को ₹19,999 की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 1000 पीस का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 1000 पीस ज्यादा खर्च करके मोटो एच 40 न्यू 5G को लेना सही रहेगा या फिर 1000 पीस कम खर्च करके वन प्लस के नॉट CE3 लाइट 5G को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 1000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो काफी ज्यादा आगे निकल जाता है मोटो का एच 40 न्यू 5G, क्योंकि मोटो एच 40 न्यू 5G में MediaTek का Dimensity 7030 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वन प्लस के नॉट CE3 लाइट 5G में Qualcomm Snapdragon 695 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर एंटीटू स्कोर की बात करी जाए तो उसमें भी क्लियर विनर निकल के आता है मोटो का एच 40 न्यू 5G, क्योंकि मोटो एच 40 न्यू 5G का जो एंटीटू स्कोर निकल के आता है 4,93,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ वन प्लस के नॉट CE3 लाइट 5G का जो एंटीटू स्कोर निकल के आता है 4,06,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो वन प्लस के नॉट CE3 लाइट 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2600 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो एच 40 न्यू 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3400 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो काफी ज्यादा बेटर हो जाता है मोटो का एच 40 न्यू 5G। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले के मामले में तो काफी ज्यादा बेटर हो जाता है मोटो का एच 40 न्यू 5G, क्योंकि मोटो एच 40 न्यू 5G में 6.55 इंच की फुल HD प्लस POLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले आप लोगों को कर्व देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 144Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वन प्लस के नॉट CE3 लाइट 5G में 6.72 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के अगर ब्राइटनेस लेवल की बात करी जाए तो उसमें भी काफी ज्यादा बेटर हो जाता है मोटो का एच 40 न्यू 5G, क्योंकि मोटो एच 40 न्यू 5G के डिस्प्ले में 1300 nits की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ वन प्लस के नॉट CE3 लाइट 5G में सिर्फ 680 nits की ही ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कैमरे के मामले में दोनों स्मार्टफोन के पास एडवांटेज देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ वन प्लस के नॉट CE3 लाइट 5G में ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, पर कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। वही दूसरी तरफ मोटो एच 40 न्यू 5G में कम मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, पर कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर f1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वन प्लस के नॉट CE3 लाइट 5G के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 108 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर f1.7 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 2+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ, पर कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो OnePlus के Note CE3 Lite 5G में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर f2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Moto H 40 Neo 5G में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर f2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर ऑडियो फीचर की बात करी जाए तो मोटो एच 40 न्यू 5G में डॉल्बी एटमॉस देखने को मिल जाता है, जबकि OnePlus के नॉट CE3 लाइट 5G में डॉल्बी एटमॉस देखने को नहीं मिलता। ऑडियो जैक की अगर बात करी जाए तो मोटो एच 40 न्यू 5G में 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता,
था, वही दूसरी तरफ वन प्लस के नॉट सी 3 Lite 5G में 3.5mm जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी और चार्जिंग स्पीड में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ वन प्लस के नॉट सी 3 Lite 5G में 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 67W के सुपर वोक चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ मोटो H40 न्यू 5G में 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 68W के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए मोटो H40 न्यू 5G में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जबकि वन प्लस के नॉट सी 3 Lite 5G में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। मोटो H40 न्यू 5G का प्राइस 1000 रुपीज ज्यादा, पर यह स्मार्टफोन हर मामले में वन प्लस के नॉट सी 3 Lite 5G से बेटर हो जाता है। तो अगर आप लोग भी इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर कंफ्यूज थे तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग 1000 रुपीज ज्यादा खर्च करके मोटो H40 न्यू 5G को ही बाय करें।